हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे टॉपर क्लासेस में। तो चलिए इकोनॉमिक्स की तरफ चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग सीमांत उपयोगिता के बारे में। सीमांत उपयोगिता इसको कहते हैं इंग्लिश में मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहते हैं इसको? मार्जिनल यूटिलिटी। इसको शॉर्ट में कहते हैं MU, M से मार्जिनल, U से यूटिलिटी। तो पहले हमको समझना होगा कि सीमांत शब्द का मीनिंग क्या होता है। सीमांत शब्द का मीनिंग होता है एक अतिरिक्त, वन एक्स्ट्रा, वन एडिशनल। ठीक है, तो कहता है किसी व्यक्ति या उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति या उपभोक्ता के द्वारा किसी वस्तु की जितनी भी इकाई है, हम चार इकाई का यदि उपभोग कर रहे हैं, अभी चार इकाई का उपभोग कर चुके हैं और उसमें से एक एक्स्ट्रा उपभोग करना चाहते हैं, तो एक एक्स्ट्रा तो कितना हो जाएगा? पांच हो जाएगा। तो जो एक एक्स्ट्रा इकाई का उपभोग किए उसमें जो एक्स्ट्रा उपयोगिता आया उसे कहते हैं सीमांत उपयोगिता। इसको गणित रूप में हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं, यानी एम यू एन टर्म्स तक हम यदि लिखेंगे तो हो जाएगा टी यू एन टर्म्स माइनस टी यू एन माइनस वन टर्म्स। ये टी यू क्या है? टी यू मतलब होता है टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। किसी वस्तु की कुल उपयोगिता में जो चेंज होता है, यानी हम किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किए तो पहले मान के चलिए 40 था, अब 70 हो गया, तो कितना चेंज हुआ? 30 चेंज हुआ। इसी 30 का नाम है सीमांत उपयोगिता। यानी किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की उपभोग करने से उसकी कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है या जो वृद्धि होता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी एम यू एन का मतलब होता है एन इकाई की सीमांत उपयोगिता, इसका मतलब होता है एन इकाई की कुल उपयोगिता, इसका मतलब होता है एन माइनस वन इकाई की कुल उपयोगिता। यानी यदि हम लिखेंगे कि एम यू पांच तो हो जाएगा टी यू पांच माइनस टी यू चार। एक एक्स्ट्रा इकाई का उपभोग किए तो उसमें जो एक्स्ट्रा उपयोगिता आया उसे कहते हैं सीमांत उपयोगिता। यानी एक्स्ट्रा उपयोगिता ही सीमांत उपयोगिता है, कुल उपयोगिता में चेंज ही सीमांत उपयोगिता है। तो अब चलते हैं हम लोग कुल उपयोगिता। क्या बोले? कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, शॉर्ट में टी। तो टोटल शब्द का मीनिंग आपको अच्छी तरह से पता है। कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? ये तो बहुत आसान है। कहता है कि जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुआ, मतलब हम एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वस्तु की अगली इकाई का प्रयोग किए, मतलब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किए, तो जितना सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुआ सबको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। यानी किसी वस्तु की उपभोग करने से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के कुल जोड़ को कुल उपयोगिता कहते हैं। यानी किसी वस्तु की सभी इकाई के उपभोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। यानी इसको गणित रूप में हम कैसे दर्शाएंगे? तो टी यू है, और क्या बोला कि सीमांत उपयोगिता का कुल जोड़, तो कुल जोड़ का सिंबल क्या होता है? समेशन। और किसका बोला? सीमांत उपयोगिता का, उसका सिंबल क्या होता है? एम यू। तो हो गया व्यंजक टी यू का। अब बच गया औसत उपयोगिता। तो औसत मतलब होता है एवरेज, यानी उसको कहते हैं क्या? एयू। क्या कहते हैं उसको? एयू कहते हैं। तो औसत मतलब तो आपको भी पता है,
कि किसी वस्तु की कुल उपयोगिता को वस्तु की उपभोग की गई संख्या से भाग देने पर औसत उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी औसत उपयोगिता का मतलब होता है कि चार इकाई से यदि कुल उपयोगिता 40 है तो एक से कितना होगा, 10 होगा। यानी यही 10 क्या है, एवरेज यूटिलिटी है। यानी इसका गणित रूप कैसा होगा, यानी ए यू बराबर हो जाएगा टी यू बटे क्यू। तो यहां से टी यू का मेरा एक नया फॉर्मूला आएगा, ए यू इंटू क्यू। क्या आएगा, ए यू इंटू क्यू। कोई दिक्कत, सब समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।